अब एक बड़ी खबर आ रही है भारत की डिफेंस न्यूज की तरफ से, जहां पर अगर हम देखें तो भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही करीब 5,000 करोड़ की इमरजेंसी हथियारों की प्रोक्योरमेंट करी थी। अब भारत जो है वो करीब 36,000 करोड़ की इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। भारत को अब ये लग रहा है कि जो चाइना से जो उसका टसल चल रहा है वो जल्द खत्म होने वाला नहीं है। करीब 9 या 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो चाइना है वो एक बिगड़ेल सैंड की तरह है, और वो जो अपने लाए अपने जो सब कुछ एफर्ट्स के डिप्लोमेसी जो भारत कर रहा था वो सारी लगता है वो एफर्ट्स अब फेल होते जा रहे हैं। चाइना एक बिगड़ेल सैंड की तरह बिहेव कर रहा है और अपने पैर नहीं खींच रहा है। उसका ये मानना है कि जब वो आगे जमीन पे आ गया है तो अब जमीन उसकी हो गई है। तो अब ऐसे में भारत के पास कोई चारा नहीं है कि अब अपने हथियारों के प्रोक्योरमेंट को बढ़ा दे, नए हथियार खरीदे जिससे चाइना पे प्रेशर बनाया जा सके। ऐसे में भारत ने 5,000 करोड़ की करीब ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर ली है, जिसमें देखा है तो अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन लिए गए हैं, और उसके अलावा और भी कई सारे वेपन्स को लिया गया है जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में भारत का साथ देने वाले हैं। और भारत यही नहीं, स्पीड बोट्स को भी भारत खरीद रहा है। जो पैंगोंग सोंग लेक है वहां पर जिस तरह चाइनीज की जो बोट्स होती हैं वो डोमिनेट करती हैं भारतीय बोट्स को, उसको देखते हुए अब बड़ी बोट्स को लिया गया है। और ये सब चीजें क्या करी गई हैं जो ये 5,000 करोड़ का जो भारत ने अभी इमरजेंसी परचेज किया है। और उसके अलावा जो 36,000 करोड़ की जो इमरजेंसी परचेज है उसमें भी काफी सारे हथियार शामिल हैं, जिसमें करीब करीब 33 जो करीब करीब जो विमान है वो रशिया से लिए जाएंगे, जिसमें करीब 12 जहाज होंगे, 29 जहाज होंगे और करीब 21 सुखोई जहाज होंगे। और उसके अलावा और भी भारत कई और देशों से भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, चाहे वो इसराइल हो या फ्रांस हो या यूएस हो। भारत को ये लग रहा है कि अप्रैल मई या जून के आसपास भारत और चाइना में एक लिमिटेड वॉर हो सकती है, और ऐसे लिमिटेड वॉर को देखते हुए भारत को अब कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने होंगे। भारत को अब बहुत जल्दी हथियार खरीदने ही होंगे। उसके अलावा भी भारत में अक्टूबर या नवंबर के आसपास से S-400 भी आने की उम्मीद है, और जिसकी पहली जो जो पहला जो उसका खेप है वो आ जाएगा भारत में, और साल 2023 तक करीब करीब 5 S-400 भारत को मिल जाएंगे, जो ये दिखाता है कि भारत अब जाके पाकिस्तान और चाइना से दोनों टू फ्रंट वॉर की जो बात होती है उसको उससे निपटने के लिए भारत अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। वहीं देखें तो इस साल की ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि जो 1 फरवरी को जो जो बजट पेश होगा पार्लियामेंट में, उसमें भी अब जो डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि अगर अभी हमने इमरजेंसी परचेजेस नहीं करी और अभी से हमने अपनी डिफेंस के बजट को नहीं बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए टू फ्रंट वॉर्स को झेल पाना, क्योंकि जो हमारे जो एनिमीज हैं और जिस तरह वो एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं वो भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेडेक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमसे क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वहीं मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।